हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने लगे हैं। इसके पहले 5 के 6 सवाल जो हैं वो टाइप 1 के हैं, जो हमने पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन किया था 1.3 का, उसमें है। तो टाइप 1 में मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो इनको कैसे सॉल्व करना है। जो एक्स स्केयर वाली टर्म है उसको वाई के इक्वल कर लेना है, और अगर वाई का स्केयर लेंगे तो वो हो जाएगा एक्स के स्केयर का स्केयर, विच इज़ एक्स की पावर 4। ठीक हो गया। अब इसको पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2y का स्केयर माइनस 11y प्लस 5 इक्वल टू 0। इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें, कंप्लीटिंग स्केयर कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला कर लें। मिड टर्म ब्रेक होती है तो बहुत इजी है, 5 2 10। तो इसके पेयर क्या बन जाएंगे, ये हो जाएगा आपके पास 2y का स्केयर माइनस 10y, ये आपके पास और माइनस 1y या माइनस वाई भी कह सकते हैं आप उसे, प्लस 5 इक्वल टू 0। 10 1 10 और 5 2 10, वही पेयर बन गया। अब आप कॉमन लें, 2y इंटू वाई माइनस 5 माइनस 1 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो क्या पेयर्स बनेंगे, 2y माइनस 1, 2y माइनस 1 और y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, इसी तरह y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो y क्या आ गया, y इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 1/2। ये माइनस 1 वहाँ जाके प्लस 1, 2 जो था वो डिवाइड हो गया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि ये अब y की वैल्यू तो निकले, एक y क्या आ गया 1/2 और एक आ गया 5। अब y की जगह पे y की वैल्यू पुट करें, क्या थी, x का स्केयर, x का स्केयर इक्वल टू 1/2, स्केयर रूट लेंगे, ये इससे कैंसिल, यहाँ पे पूरा स्केयर रूट, x इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, तो 1/2, क्योंकि 1 का स्केयर रूट ख़त्म हो जाएगा और 2 पे एज इट इज़ रहेगा। ये हो गया हमारा ये, और अब हमने यहाँ पे x y की पावर 5, y इक्वल टू 5, x की पावर 2 इक्वल टू 5, स्केयर रूट लेंगे दोनों तरफ, ये स्केयर इससे कैंसिल, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 5। आप देखें x की मैक्सिमम पावर क्या है, 4। जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतने x के आंसर जाएंगे, प्लस 1/2, माइनस 1/2, प्लस स्केयर रूट 5, माइनस स्केयर रूट 5। ये आपके पास क्या आ गया, सॉल्यूशन सेट। ठीक हो गया, स्केयर रूट 5 यहाँ पे करने दे, स्केयर रूट 5, ये हमारे पास यहाँ पे पार्ट 1 एंड हो गया। अच्छा जी, पार्ट 2 करने लगे हम। अच्छा जी, 2x की 4, इसको अरेंज कर लें, 2x की पावर 4 माइनस 9x का स्केयर प्लस माइनस 4 है यहाँ के, प्लस 4 इक्वल टू 0। मैंने वही बात बताई थी कि एक्स स्केयर को आप वाई के इक्वल करेंगे, और एक्स और वाई का स्केयर जब होगा आपको लेंगे तो वो हो जाएगी एक्स की पावर 4। तो ये हो जाएगी 2y का स्केयर माइनस 9 ऑफ वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। 4 2 8, मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 2y का स्केयर, 8 और 1 का पेयर बन रहा है, 8y माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। 2y कॉमन लें तो y माइनस 4, माइनस 1 कॉमन लें तो y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 ऑफ y माइनस 1, और ये y माइनस 4 का एक पेयर बन जाएगा इक्वल टू 0। अच्छा जी, 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 1/2, और दूसरा क्या है, y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 4। यहाँ पे y की वैल्यू पुट करें, x का स्केयर इक्वल टू 1/2, स्केयर रूट लें दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। 1 पे तो उसका स्केयर रूट ख़त्म हो गया, हो जाएगा स्केयर रूट 2, कोई परफेक्ट स्केयर नहीं है। ये हो जाएगा x का स्केयर इक्वल टू 4, तो ये इधर दोनों तरफ स्केयर रूट लें, इससे कैंसिल करें तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो आपके पास जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो बन जाएगा प्लस माइनस 1/√2 और प्लस। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले अरेंज कर लें, 5 ऑफ x 1/2 माइनस 7 ऑफ x 1/4 माइनस 2 इक्वल टू 0। अच्छा, आपको एक मजे की बात बताते हैं कि जो जब पावर्स डिवाइड में होती हैं तो उसमें डिवाइड में 1/4 है तो ये बड़ा लग रहा है, असल में ये छोटा है, और 1/2 जो है वो बड़ा है। अब जो छोटी वाली टर्म होती है उसको हम y के इक्वल करते हैं, लेट y इक्वल टू x की पावर 1/4, y का स्केयर लें तो वो हो जाएगा x की पावर 1/4 इंटू 2। तो ये हो जाएगा x की पावर 2 मल्टीप्लाई होगा 2 1 2/4, ये मैं समझा रहा हूँ 1/2। तो ये y का स्केयर जो है आपके पास क्या आ जाएगा, x की पावर 1/2, ये y स्केयर हो गया और ये y हो गया। इसे पुट करें ऊपर, 5y का स्केयर माइनस 7y माइनस 2 इक्वल टू 0। 5 2 10, पेयर बनाना है, मिड टर्म होती है 5 और 2 ही होती है। 5y का स्केयर माइनस 5y माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये माइनस 2 है, ये यहाँ आके प्लस 2 हो जाएगा, माई मिस्टेक, प्लस 2, ये भी प्लस 2 और ये भी प्लस 2। ठीक हो गया।
तो अब ये हो जाएगा आपके पास 5y कॉमन लें तो y माइनस वन, माइनस टू कॉमन लें तो y माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो ये बन जाएगा 5y माइनस वन माइनस टू और y माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो 5y माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो और y माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो y इक्वल टू टू ओवर फाइव और इसी तरह y इक्वल टू वन। तो y की वैल्यू क्या निकाली थी, x की पावर वन ओवर फोर, x की पावर वन ओवर फोर लेंगे इक्वल टू टू ओवर फाइव। इधर भी लेंगे x की पावर वन ओवर फोर इक्वल टू वन। अब क्या काम करेंगे, अब आपने करना है टेकिंग फोर्थ पावर ऑन बोथ साइड, टेकिंग फोर्थ पावर ऑन बोथ साइड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपने फोर से मल्टीप्लाई करना है। ये देखें x की पावर वन बाई फोर है, इसको फोर से मल्टीप्लाई करें तो फोर फोर ओवर फोर हो जाएगा, तो फोर फोर से कैंसिल। इसी तरह टू ओवर फाइव की पावर भी फोर ले लें। इसी तरह यहाँ पे भी हम लेंगे x की पावर वन ओवर फोर इन टू फोर इक्वल टू वन की पावर फोर, फोर फोर से कैंसिल। तो ये x इक्वल टू वन आ जाएगा, वन की पावर फोर। ये आ जाएगा x इक्वल टू टू की पावर फोर लें, टू टू ज़र फोर, फोर टू ज़र एट, टू ज़र सिक्सटीन, और फाइव की पावर फोर लें वो आ जाएगी 625। तो जो आपके पास सोल्यूशन सेट आएगा वो आएगा 16 ओवर 625 और 1। ठीक हो गया। लेकिन ये भी टाइप 4 का है क्वेश्चन, अरेंज कर लें x की पावर 2 बाई थ्री, इसको यहाँ ले आए माइनस 15 एक्स की पावर 1 बाई थ्री प्लस 54 इक्वल टू ज़ीरो। लेट y इक्वल टू, मैंने आपको बताया था जो पावर 2 ओवर 3 जो है वो छोटा होगा और बड़ा होगा, और x की पावर 1 ओवर 3 छोटा होगा, स्मॉल होगा, 1 ओवर 3। यहाँ पे y का स्केयर लें तो ये हो जाएगा 1 ओवर 3 का स्केयर, विच इज़ इक्वल टू y का स्केयर x की पावर 2 बाई 3 बन जाएगी। ठीक है ना, ये दोनों पावर्स आपने बनानी होती हैं। ठीक हो गया। अब इस पर पुट करें, ये हो जाएगा आपके पास y का स्केयर माइनस 15 y प्लस 54 इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है तो ये 8 7 होगा आपके पास 54 y का स्केयर माइनस 8 y माइनस 7 y प्लस 54 इक्वल टू ज़ीरो। तो कॉमन लें y इंटू वाई माइनस 8 माइनस 7 इंटू वाई माइनस 8 इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो जाएगा y माइनस 8 इंटू वाई माइनस 7 विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो जाएगा y माइनस 8 इक्वल टू ज़ीरो और y माइनस 7 इक्वल टू ज़ीरो। तो y इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 7। क्या काम करेंगे, y क्या था, x की पावर 1 ओवर 3 इक्वल टू 8, x की पावर 1 ओवर 3 इक्वल टू 7। ठीक हो गया। अब आपने क्या काम करना है, आपने क्यूब लेना है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। हम क्यूब लेंगे ताकि x की पावर 1 ओवर 3 जो है वो न्यूट्रल हो जाए, x आ जाए, और 8 का क्यूब। इसी तरह यहाँ पे x की पावर 1 ओवर 3 का क्यूब इक्वल टू 7 का क्यूब, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। तो x इक्वल टू 8 का क्यूब आ जाएगा 512। इसी तरह यहाँ पे x आ जाएगा 7 का क्यूब 343। तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा डैट इज़ इक्वल टू 512 और 343। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट हो। अब हम पार्ट 5 करने लगे हैं तो इस क्वेश्चन को अरेंज करें, 3 ऑफ x माइनस 2 प्लस 8 x माइनस है, यहाँ लें माइनस 8 ऑफ x माइनस 1 प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आप क्या करें, लेट y इक्वल टू x की पावर माइनस 1, y का स्केयर लें तो x की पावर माइनस 1 का स्केयर हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू y का स्केयर x की पावर माइनस 2। तो x की पावर माइनस 2 की जगह y स्केयर पुट कर दें, माइनस 8 इंटू x की पावर माइनस 1 के y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा 5 3 15। मिड टर्म ब्रेक करनी है, मिड टर्म ब्रेक कैसे होगी, 5 और 3 होगी, 3y का स्केयर माइनस 3y माइनस 5y प्लस 5 इक्वल टू 0। 3y इंटू y माइनस 1 माइनस 5 इंटू y माइनस 1 इक्वल टू 0। 3 ऑफ y माइनस 5 इंटू y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 और इसी तरह y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 5 ओवर 3, ये हो जाएगा y इक्वल टू 1। तो y किसके इक्वल था, y आपका इक्वल था x की पावर माइनस 1 के विच इज़ इक्वल टू 5 ओवर 3 और ये x की पावर माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 1। अब आपने पावर माइनस 1 को ख़त्म करना हो तो आप इसे नीचे ले आएंगे, 1 ओवर x इक्वल टू, जब इसे 1 ओवर x करेंगे तो पावर ये जो माइनस है ये प्लस में हो जाएगा। तो इसी तरह 1 ओवर x इक्वल टू 1। अब आपने ना x को ऊपर लेके जाना है
और अगर आप ऊपर लेके जाएंगे उसको चेंज नहीं करेंगे तो x की पावर माइनस वन रहेगी। अगर आपने x को पॉजिटिव ही रखना है, इसी x ही रहने देना है, तो आप इस पूरी वैल्यू को रेसिप्रोकल ले लें, रिवर्स कर लें, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3/5। इसी तरह यहाँ पे जो है x इक्वल टू 1/1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो 1/1 1, तो आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा 3/5 × 1। यहाँ पे हमारी टाइप 1 के क्वेश्चंस एंड हो गए हैं। थैंक यू।